नमस्कार, मैं सुहानी जैन लोकवाणी में आपका स्वागत करती हूँ। सत्तारूढ़ कांग्रेस के दबाव में जीएसएस के चुनाव में अधिकारी गलत काम नहीं करे, वरना उन्हें आने वाले समय में भाजपा देख लेगी। जिला कलेक्टर कार्यालय पर शनिवार को भाजपा जिलाध्यक्ष लादूलाल तेली के नेतृत्व में जिले भर में हो रहे जीएसएस चुनावों में सत्तारूढ़ दल के नेताओं के दबाव में की जा रही धांधली को लेकर के प्रदर्शन किया गया। एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा गया। ज्ञापन के बाद लोकवाणी संवाददाता से बातचीत करते हुए जिलाध्यक्ष लादूलाल तेली ने तेवर दिखाते हुए कहा कि चुनाव में सत्ता के दबाव में उन अधिकारियों और कर्मचारियों को लगाया गया जो भाजपा समर्थित उम्मीदवारों के पर्चों को बेवजह खामियां बता करके खारिज कर रहे हैं, लेकिन भाजपा इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि आने वाला समय भाजपा का है और ऐसे कर्मचारियों को वो देख लेगी। जिले में सहकर्ता के चुनाव हो रहे हैं और इन सहकर्ता के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार जिस तरह से योजनापूर्वक तरीके से इन चुनावों के अंदर सहभागिता की है और चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन चुनाव में जिस तरह से सत्ता पक्ष के लोगों ने सत्ता के नशे में जिस तरह से दादागिरी और गुंडागिरी से भारतीय जनता पार्टी के समर्थक जो कार्यकर्ताओं ने जीएसएस के चुनाव में फार्म भरे हैं, फार्मों की जांच के दौरान जिस तरह से दबाव में आकर फार्म खारिज करवाए जा रहे हैं, बिना किसी आधार के बदले जा रहे हैं और जो मनमानी की जा रही है, इसको लेकर हमने जिला कलेक्टर महोदय से मुलाकात की है, उनसे ज्ञापन दिया है, उनसे मांग की है कि ये इस तरह से लोकतंत्र के अंदर और चुनाव के अंदर अधिकारियों को दबाव में लेकर गुंडागिरी, दादागिरी और सत्ता के बल पर पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, जो चुनाव में भाग ले रहे हैं, उनके फार्म निरस्त करना बहुत ही गैरकानूनी है और इस तरह का जो कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं, जो अधिकारी दबाव में काम कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी फिर आने वाले समय में कार्रवाई करेगी। उधर पूर्व मंत्री कालूलाल गुर्जर ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव में बिना 8वें पास सत्तारूढ़ दल के उम्मीदवारों से कोई प्रमाण पत्र नहीं मांगा जा रहा है। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि बावलास और जोरावरपुरा बागोर ग्राम पंचायत में इस तरह की गड़बड़ियां देखने को मिली हैं। उन्होंने बताया कि बावलास में जो तीसरी संतान होने का प्रमाण पत्र भी पेश किया, लेकिन उसकी भी अनदेखी कर दी गई। गुर्जर ने कहा कि सत्तारूढ़ दल के दबाव में हो रहे चुनाव को निरस्त किया जाए। इन चुनाव में डेयरी के कर्मचारियों को लगाया वो गलत है, दोबारा निष्पक्ष चुनाव करवाया जाए। उन्होंने ये चेतावनी भी दी कि ऐसा नहीं हुआ तो भाजपा सड़कों पर उतरेगी। कई वर्षों बाद हो रहे सहकारी समिति चुनाव में लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है और पूर्व मंत्री कालूलाल गुर्जर कई बार इसमें धांधली का आरोप भी लगा चुके हैं। अभी हमारे साथ मौजूद है कालूलाल जी गुर्जर, इनसे चर्चा करते हैं कि सर, आप कई बार जो समितियों के चुनाव हो रहे हैं इसमें धांधली का आरोप लगाते हैं, इसके पीछे क्या कितनी सच्चाई है और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, धांधली का आरोप नहीं है, ये तो सरासर सत्ता पक्ष का दुरुपयोग किया जा रहा है। एक तरह से चुनाव ही नहीं हो रहे, वहाँ सिलेक्शन कर रहे हैं। यानी मैंने जो अखबार में वक्तव्य दिया था, ये धांधलीबाजी ये की जा रही है कि इन्होंने यहाँ से जो चुनाव अधिकारी लगाए वहाँ समितियों में, जीएसएस में चुनाव कराने वाले, उन्होंने वो अधिकतर तो डेयरी के लगे हुए। हमारे माननीय वो राजस्व मंत्री महोदय डेयरी के चेयरमैन रहे हुए हैं, अभी अभी इस्तीफा दिया, लेकिन आज भी उनका जीव उस डेयरी में फंसा हुआ। वो हर डेयरी की मीटिंगों में वही रहते हैं और वही वक्तव्य देते हैं कि डेयरी ने अभी लंपी के बारे में भी आपने पूछा, लंपी के बारे में भी वो उनका कहना कि हमने इतने रुपए जारी कर रहे हैं दवाइयों के। अरे तो फिर अब तक क्यों नहीं किए मेरे भाई, इतनी गायें क्यों मरने दी? मैं आपको बताऊं कि तीन संतान वाली कंडीशन है इसमें, तीन संतान जिसके हो गई वो चुनाव नहीं लड़ सकते। उसके बाद छः संतानों वालों ने फार्म भरा और ये लिखा कि भाई मेरे दो संतान ही, और उसके बाद उसके ऊपर ऑब्जेक्शन पेश करवाया हमारे कार्यकर्ताओं ने। उसके बाद भी उन्होंने कहा हाँ हम जांच करेंगे, अभी बुलाएंगे आपको, जांच कर लेंगे आप, और जांच कुछ नहीं किए। 3-4 बजे करीब बाहर लिस्ट लगा गया कि ये फार्म पास, उसमें ऐसे लोगों के फार्म पास कर दिए जिनके 3 से ज़्यादा बच्चे हैं, एक नंबर दो, ऐसे लोगों के फार्म खारिज कर दिए जिनके 2 ही बच्चे हैं, ऐसे 8वीं पास का सर्टिफिकेट जरूरी। अब सर्टिफिकेट सरकार ने लगवाया ही नहीं, आश्चर्य की बात देखिए, ये नहीं किया कि भाई आप 8वीं पास का सर्टिफिकेट नहीं लगाए, केवल आप उस फार्म में भर दो, मैं 8वीं पास हूँ।
और अब किसी ने ऑब्जेक्शन किया कि साहब आप 8वीं पास और ये 8वीं पास नहीं है साहब, मैं ऑब्जेक्शन करता हूँ, तो फिर तो उसे सर्टिफिकेट मंगाना चाहिए, जैसे इनके निर्देश भी है। लेकिन ये यहाँ के जितने लोग है वो तो बिल्कुल ही जैसे कोई हला बोल करने के लिए भेजे गए, सारे दादू हो रही है। मेरे तो पूरे करड़ा तहसील और मांडल तहसील में अब तक जो फार्म भरे हैं इसमें 100% जो है गैर कानूनी काम हुआ। इस बारे में कोई भाजपा इसको ज्ञापन या कोई आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रही है, इस जो आप जिस प्रकार आरोप लगा रहे हैं उनके खिलाफ? देखिए, हम मैंने तो इसके लिए जो मेरे ध्यान में है मैंने इसका विरोध भी किया है, कलेक्टर से को भी मैंने कहा है, और इनका जो यहाँ निर्वाचन अधिकारी है ओझा जी उनसे भी मैंने बात की है, हमारे बैंक के MD से भी मैंने बात की है, और ये सारा गलत है। मैंने कहा सारा रिकॉर्ड आप तलब करिए, और इस तरह से जो गलत प्राइम में भेजी देखते पहले लग रहा है ये गलत है, उसको आप ठीक करवाइए, ठीक कराओगे तो फिर इस चुनाव के अंदर आपको जो है वहाँ ये निर्वाचन करने का अधिकार नहीं, इसलिए ज़्यादा करोगे, अगर फिर भी नहीं मानोगे तो हम हाई कोर्ट में भी जाएंगे, यहाँ वाद भी दायर करेंगे, ये भी हमने इसकी सारी तैयारी कर रखी। बिल्कुल, तो ये थे पूर्व मंत्री कालूलाल गुर्जर, जिन्होंने सहकारी समिति में चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि इस मामले को ये जो प्रदेश स्तरीय जो आला कमान उनके सामने उठाएंगे, और उसके बाद में भी अगर इसमें इन्हें राहत नहीं मिली तो ये इस मामले को न्यायालय तक लेकर जाएंगे। लोकवाणी के लिए मैं बिलोड़ा से प्रहलाद के लिए। भाजपा द्वारा चुनाव में धांधली के आरोपों को झुठलाते हुए कांग्रेस जिला अध्यक्ष रामपाल शर्मा ने कहा कि यह सब बेकार की बातें हैं, चुनाव में कोई धांधली नहीं हुई है, भाजपा तो कभी चुनाव करवाती ही नहीं है, कांग्रेस से चुनाव करवा रही है तो आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर उनके आरोप सही हैं तो उन्हें कोर्ट में जाना चाहिए, उनके लिए रास्ते खुले हैं। जिले में जो सहकारी समिति को चुनाव हो रहे हैं, भाजपा इस पर धांधलों का आरोप लगा रही है और कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की भी उन्होंने बात की। न्यायालय में जाने वाले आदमी को कोई रोक नहीं सकता है, खास तौर से अगर भाजपा कोई इस तरह का आरोप लगा रही है तो भाजपा का आरोप लगाने का कोई नैतिक दायित्व ही नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि वो कभी भी कोऑपरेटिव के चुनाव कराते ही नहीं है, उनके राज्य में कभी कोऑपरेटिव के चुनाव होते ही नहीं है, इसलिए जब भी कोऑपरेटिव के चुनाव होते हैं तब भारतीय जनता पार्टी इस तरह के आरोप लगाती है, और ये कोई नई बात नहीं है कोऑपरेटिव के बारे में। ये स्टेट का कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है, उनको इससे डर है, इसीलिए तो अमित शाह को आज केंद्र में कोऑपरेटिव मिनिस्टर बनाकर नए कोऑपरेटिव एक्ट की बातें कर रहे हो। बाकी जो उतने भी आरोप है वो निराधार आरोप है, अगर फिर भी अगर ऐसी कोई बात है तो इसके लिए प्राधिकरण कोर्ट सब खुले हुए हैं, उनको जाना चाहिए, क्या दिक्कत है। पूरी पारदर्शिता चुनाव सम्पन्न हो रहे हैं, 100% पारदर्शिता से सम्पन्न हो रहे हैं, और कांग्रेस के राज्य में ही कोऑपरेटिव के चुनाव होते हैं, बीजेपी के राज्य में कभी चुनाव ही नहीं। इंजीनियर्स वेलफेयर सोसाइटी भिलवाड़ा के तत्वावधान में EWS स्पोर्ट्स 2022 प्रतियोगिता का शुभारंभ 9 सितंबर को स्थानीय विट्टी इंटरनेशनल के मैदान पर अध्यक्ष अनुप कुमार सोमानी द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। 9 से 11 सितंबर तक चलने वाली प्रतियोगिता में क्रिकेट, कैरम, बैडमिंटन, शतरंज, टेबल टेनिस के प्रथम और द्वितीय चरण के मुकाबले आज हुए। इस अवसर पर सोसाइटी सचिव इंजीनियर नीरज ओझा, इंजीनियर दीपक मिलाना, इंजीनियर मनोज गर्ग, इंजीनियर प्रवीण पारख, इंजीनियर विनोद, इंजीनियर अतुल शाह, इंजीनियर कमलेश्वर अंछारा सहित सभी सोसाइटी के सदस्य सब परिवार उपस्थित थे। इंजीनियर चंद्रदीप सिंह ने बताया कि प्रारंभिक मुकाबलों में क्रिकेट में रनिंग रोबोट टीम ने मैक्नोप्लास्टर को हराया। प्रवीण पारख मैन ऑफ द मैच रहे। राजेश टोतला ने बल्लेबाजी में लगातार 4 छक्के लगाकर के दर्शकों को उत्साहित किया। साथ ही कैरम, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, शतरंज आदि के मुकाबले महिला, पुरुष और बच्चों के बीच में खेले गए। आगामी रविवार को सभी खेलों के फाइनल मुकाबले होंगे। साथ ही सोसाइटी आगामी इंजीनियर्स डे के कार्यक्रम भी आयोजित करेगी। आज हमारा इंजीनियर्स वेलफेयर सोसाइटी भीलवाड़ा का वार्षिक जो एनुअल स्पोर्ट्स प्रोग्राम होता है, 3 दिवसीय स्पोर्ट्स प्रोग्राम की आज शुरुआत हुई है, और विट्टी इंटरनेशनल स्कूल के ग्राउंड पर आज ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसके अंदर क्रिकेट, कैरम, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और चेस, ये 5 गेम्स हम लोगों ने रखे हैं। इसमें महिला, पुरुष और बच्चे सभी के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है,
और सभी मैच आज विधिवत प्रारंभ हो गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा के अनुरूप प्रदेश को खेलों के क्षेत्र में विशिष्ट पहचान दिलाते हुए अग्रणी बनाने के लिए शुरू किए गए राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का ब्लॉक स्तरीय आयोजन 12 सितंबर से होगा। जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने कहा कि जिले में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, इन छुपी हुई प्रतिभाओं को सामने लाने में ग्रामीण ओलंपिक खेल मील का पत्थर साबित होंगे। जिला खेल अधिकारी ओम प्रकाश गुर्जर ने बताया कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के तहत ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन 12 सितंबर से प्रारंभ होगा। जिले के ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिताओं की विजेता टीमों का मुकाबला अब ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिताओं में होगा। इन प्रतियोगिताओं के जिले के 14 ब्लॉकों की 2,459 टीमें आपस में खेलेंगी, जिनमें कुल 27,560 खिलाड़ी भाग लेंगे। इसमें कबड्डी, खो खो, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, क्रिकेट, हॉकी, शूटिंग, वॉलीबॉल सहित कई खेलों की प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण ओलंपिक खेलों के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। प्रतियोगिताओं के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर विजेता रही टीमों और खिलाड़ियों के अभ्यास मैच जारी हैं। उन्होंने बताया कि 14 ब्लॉक में कबड्डी की 752, शूटिंग वॉलीबॉल की 181, टेनिस बॉल क्रिकेट की 452, खो खो की 375, वॉलीबॉल की 532, हॉकी की 167 टीमें ब्लॉक स्तरीय खेलों में हिस्सा लेंगी। खेलों के लिए खेल मैदानों का चिन्हीकरण, रेफरी और अन्य स्टाफ की नियुक्ति, खेल सामग्री खरीद सहित कार्य सभी कर लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि पूर्वाभ्यास के प्रति ग्रामीणों में उत्साह देखने को मिला है। उल्लेखनीय है कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के ग्राम पंचायत स्तरीय स्पर्धाएं 29 अगस्त से 1 सितंबर तक आयोजित की गई थी। खंड स्तर समिति के संयोजक पंचायत समिति के उपखंड अधिकारी होंगे और ब्लॉक विकास अधिकारी सदस्य सचिव होंगे। इसमें ब्लॉक पंचायत समिति के प्रधान, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं जिला खेल अधिकारी का प्रतिनिधि तथा राजकीय शारीरिक शिक्षक सदस्य शामिल होंगे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक ब्रेक। सुंदरम रिसोर्ट MMR पैलेस आपका स्वागत करता है। शादी एवं मांगलिक कार्यों के लिए अति उत्तम स्थान। 25,000 स्क्वायर फीट का हरियाली युक्त गार्डन, अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त 40 एयर कंडीशन रूम, स्क्वायर फीट के दो हॉल, सभी सुविधायुक्त अत्याधुनिक भोजनशाला, एक ही परिसर में वर वधु पक्ष के ठहरने की अलग अलग उत्तम व्यवस्था, पार्किंग, अग्निशमन व पूरा परिसर सीसीटीवी कैमरे की नजर में सुरक्षित, 10 वर्ष से आपकी सेवा में। सुंदरम रिसोर्ट MMR पैलेस श्याम विहार के सामने, हरनी महादेव रोड, भिलवाड़ा। संपर्क सूत्र बद्रीलाल सोनी, मोबाइल नंबर 9462885151। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर, न्यूरोथेरेपी शिविर 1 व 2 तारीख, समय प्रातः 9:30 से 11:30, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, परामर्श डॉक्टर विनित कुमार एम टीम उदयपुर। इसी रोग शिविर 3 व 4 तारीख, समय 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक, मोती बाबजी चौराहा, सांगनेर रोड, भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। चर्म रोग शिविर 7 से 10 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष आयुर्वेदिक MGH परिसर, भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। दंत रोग एवं परामर्श शिविर 10 तारीख, समय प्रातः 9 से 11 बजे तक, स्थान वृद्धाश्रम अपना घर, आरसी व्यास कॉलोनी, परामर्श डॉक्टर हेमेंद्र सिंह काछा। पंचकव्य चिकित्सा शिविर, गोमूत्र दवाइयों द्वारा रोगी का इलाज, 11 तारीख, समय है 10 से 12 बजे तक, स्थान अपना घर, वृद्धाश्रम, कामधेनु गोशाला, सिंदरी के बालाजी, भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर कृष्ण चनु शर्मा। रसायन चूर्ण शिविर 13 व 14 तारीख, समय प्रातः 8 से 10 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय, MGH परिसर, भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत, देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। रामनारायण बूलिया पुरानी शाम के सब्जी मंडी भोपालगंज भिलवाड़ा की ओर से नवम गणेश महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें दिनांक 8 सितंबर को सुंदरकांड का पाठ, 9 सितंबर को सपरिवार एवं संतों के सानिध्य में 56 भोग का आयोजन किया गया, जिसमें गणमान्य व्यक्ति किशन बुला, ओम प्रकाश बूलिया, अशोक काबरा, राजेश मखीजा, भरत उपाध्याय, दीपक शर्मा, मनोज बुलानी, महावीर वैष्णव उपस्थित रहे। शाम को 5 बजे प्रसाद का वितरण किया गया
और गणपति जी की शोभा यात्रा ढोल नगाड़ों के साथ निकाली गई, जो मिलन टाकेज होते हुए सांगानेर तालाब में विसर्जन किया गया। श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति द्वारा कोरोना काल के बाद शक्ति स्वरूपा की 200 प्रतिमाएं बनाकर के तैयार कर ली गई हैं। इंदौर के मूर्तिकारों द्वारा 5 फीट की 200 मां दुर्गा की प्रतिमाएं बनाकर के तैयार की गई, जिसका समिति द्वारा पंजीयन प्रारंभ कर दिया गया है। समिति के मीडिया प्रभारी महावीर समदानी ने बताया कि 9 दिवसीय नवरात्र महोत्सव के अंतर्गत शारदीय नवरात्र 26 सितंबर से प्रतिमा स्थापना से प्रारंभ होकर के विजयादशमी, दशहरा, 4 अक्टूबर मंगलवार को दुर्गा मूर्ति विसर्जन तक आयोजित होगा। नवरात्र महोत्सव मनाने वाली समितियों का पंजीयन अपना घर वृद्धा आश्रम आरसी व्यास कॉलोनी रिंग रोड पर किया जा रहा है। नवरात्र महोत्सव मनाने की इच्छुक समिति, संस्थान, सोसाइटी, गली मोहल्ला, संस्था पूर्व पंजीयन करा करके अपनी मूर्ति बुक करा सकते हैं। नो माँ के न्यू बोर्न बेबी को फ्रेश रक्त की जरूरत पड़ने पर परिवार के सदस्यों ने अपना रक्त जांच करवाया तो बच्चे के ग्रुप से नहीं मिलने पर विक्रम दाधीच को बताया गया तो उन्होंने भिलवाड़ा ब्लड सेंटर बैंक में पहुंच करके रक्तदाता को फोन किया तो आशीष शारदा ने तत्काल ब्लड बैंक पहुंच करके अपना रक्त प्रदान कर अनजान नन्हे बच्चे की मदद करके मानवता की मिसाल कायम की। भिलवाड़ा ब्लड बैंक के प्रभारी महेंद्र सैनी, त्रिलोक वर्मा, समाज सेवी मुकिम खान ने रक्तदाता आशीष शारदा का आभार व्यक्त किया। अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर 2000 से अधिक रक्तदान शिविर का आयोजन 17 सितंबर को होगा। राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले इस रक्तदान शिविर में जिले के आसिंद में रक्तदान शिविर को लेकर के पोस्टर का विमोचन किया गया। कस्बे में होने वाले रक्तदान शिविर को लेकर के दो जगह कस्बे में स्थित तेरापंथ सभा भवन नंबर 1 और सवाई भोज मंदिर परिषद में कार्यक्रमों के आयोजन को लेकर के कार्यरेखा तैयार की गई। तेरापंथ युवक परिषद एवं सहयोगी संस्थान भारत विकास परिषद के सहयोग से आयोजित होने वाले रक्तदान शिविर में 300 से अधिक यूनिट रक्तदान संग्रह का लक्ष्य लिया गया है। तेरापंथ युवक परिषद अध्यक्ष रवि रांका एवं रक्तदान शिविर संयोजक मनीष दुगड़, गौतम चौरड़िया ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले इस रक्तदान कार्यक्रम में 2,00,000 यूनिट रक्त संग्रहित करने का लक्ष्य रखा गया है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का मांडर ब्लॉक स्तर पर आगाज सोमवार 12 सितंबर से होने जा रहा है। खेल मैदानों की तैयारी और उपकरणों की व्यवस्था में शनिवार को दिन भर शारीरिक शिक्षक समर्पित भाव से जुटे रहे। मीडिया प्रभारी रमेश अग्नानी ने बताया कि खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल मैच हेतु राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मांडल में खेल मैदान, स्टेडियम और मेजा में भी हॉकी, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, क्रिकेट खेल मैदान के नियमों के अनुसार शारीरिक शिक्षक दिनेश भंडिया, बद्रीलाल जाट, नरेश ओझा, मानमल बलाई, रमेश जिनकर, कमलेश खटीक, कैलाश खटीक, अनवर हुसैन अंसारी, किशन लाल भंडिया सहित इन कई लोगों ने मिलकर के तैयार किया है। इससे पूर्व CBEO मधु सामरिया के निर्देश के अनुसार नोडल प्रधानाचार्य विनित कुमार शर्मा ने विभिन्न व्यवस्थाओं में लगे प्रभारी PEEO की बैठक आयोजित करके खेलों के सफल आयोजन हेतु प्रगति की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश भी प्रदान किए। भारत विकास परिषद मध्य प्रांत द्वारा 2 दिवसीय प्रांत स्तरीय युवा संस्कार शिविर का शुभारंभ केशव हॉस्पिटल के पास स्थित भिक्षु विहार में किया गया। भारत विकास परिषद के संस्कार प्रकल्प के तहत प्रांत द्वारा स्थानीय आजाद शाखा को यह कार्यक्रम करने का अवसर मिला। शाखा सचिव दीपेश खंडेलवाल एवं शाखा मीडिया प्रभारी किरण सेठी ने जानकारी देते हुए बताया कि सर्वप्रथम भारतीय संस्कृति के अनुसार हवन और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। तत्पश्चात राष्ट्रीय एवं प्रांतीय पदाधिकारियों द्वारा ध्वजारोहण का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। कार्यक्रम में पधारने वाले केंद्रीय चेयरमैन समग्र ग्राम विकास मुकुंद सिंह राठौड़, रीजनल संयुक्त महामंत्री विनोद आड़ा, प्रांतीय अध्यक्ष पारस बोहरा, महासचिव गोविंद अग्रवाल प्रमुख रहे। 2 दिवसीय आवासीय कार्यक्रम की जानकारी देते हुए प्रांतीय संयोजक युवा एवं बाल संस्कार अमित सोनी ने बताया
कि प्रतिदिन विभिन्न सत्रों में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें आने वाले बालकों को विभिन्न उद्बोधन द्वारा लाभान्वित किया जाएगा। बीच बीच में क्विज प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा। विकास परिषद राजस्थान मध्य प्रांत का आज प्रांतीय युवा संस्कार शिविर स्थानीय चंद्रशेखर आजाद शाखा भीलवाड़ा द्वारा आयोजित करवाया जा रहा है। इसमें प्रांत स्तर के करीब 20 शाखाओं के 110 बच्चों ने भाग लिया है। उन बच्चों को जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, शिक्षा के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में क्या लक्ष्य निर्धारित करना है, कैसे वित्तीय अनुशासन रखना है, इसके विभिन्न तरह के सत्र लिए जाएंगे जो उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे और जीवन में वो कैसे आगे बढ़कर अपना परिवार और देश की सेवा कर सके, ऐसा सिखाया जाएगा। कहाँ कहाँ से बच्चे आए? इसमें विजयनगर, किशनगढ़, बांधनवाड़ा, भोजरास जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, छोटे छोटे ग्रामीण क्षेत्र से भी काफ़ी बच्चे इसमें आए हैं, ताकि उनको इस संस्कार शिविर का लाभ मिल सके और श्रेष्ठ भारत का निर्माण कर सके। आपका नाम? पदना पारसमल बोरा, प्रांतीय अध्यक्ष, साथ में अमित जी सोनी, प्रांतीय युवा संस्कार शिविर के संयोजक है। आपके सानिध्य में सारी तैयारियां की गई है और आपने इस शिविर को सफल बनाने में पूरा सहयोग दिया है। मांडल चार भुजनाथ की प्रेरणा से महिला सत्संग मंडल के प्रयास से समस्त ग्रामवासी मांडल के सहयोग से शनिवार को भदेसर, भैरुनाथ और देवनारायण मंदिर कालूबा का देवरा में भीम रोड पर 31वां सामूहिक सत्संग और हवन किया गया, जिसमें मदन लोहार ने बताया कि लंपे वायरस बीमारी को देखते हुए भगवान देवनारायण के गायों को बचाने के लिए इस हवन का आयोजन किया गया। हवन के पश्चात महाआरती करके प्रसाद वितरित किया गया। इस आयोजन में सैकड़ों महिलाओं ने भाग लिया। इस अवसर पर भूपाजी, उदयराम गाडरी, जगदीश व्यास, भेरूलाल तेली, नारायण गाडरी, नंदलाल गाडरी, गोटू गाडरी, लद्दू गुजर, गोपाल दरोगा, मदन माटोलिया, कन्हैयालाल गुजर, गंगाराम तेली, किशन गाडरी, भंवर सागर सहित कई लोग उपस्थित थे। यह सामूहिक हवन कार्यक्रम हमारे पूरे गांव में जो चल रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य है अभी जो महामारी गायों में लंपी नाम की जो चल रही है, इस लंपी महामारी से निजात पाने के लिए उन सब गांव वालों ने भगवान से प्रार्थना की, सभी देवताओं का आह्वान करके उनसे प्रार्थना की और ये यज्ञ का कार्यक्रम किया। हम ये जल्दी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये जल्दी से जल्दी गायों में जो लंपी महामारी जो चल रही है इससे निजात पाए। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। We'll be right back.